हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तैयारी आपकी चल रही है, ठंड भी बहुत कड़क लग रही है, लेकिन तैयारी को ठंड, गर्मी, बरसात तो हमेशा रहेगा ही, लेकिन ये बार बार वैकेंसी नहीं आएगी। तो इस वैकेंसी जब आई है तो आप 100% एक अपना सीट जो है तय कर लीजिए, समझ रहे हैं? तो ठंडी लगे चाहे कुछ भी लगे, आप अपना पढ़ाई करिए, क्योंकि एग्जाम एकदम नज़दीक है। तो आइएगा, जो सिलसिला चल रहा है मिशन वर्दी का, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस है। और प्रॉफिट एंड लॉस में जो है हम लोग जो है 45 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद से जो है आपका 46 से हम लोग करेंगे, देखते हैं कहां तक करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यूथ कंपटीशन की ये बुक है, समझ रहे हैं ना? तो आपका काम यह है कि अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह, शेयर वगैरह सब आपको करते रहना है, समझ रहे ना? तो अपना प्यार दुलार सब दिखाते रहना है। आइएगा, देखिएगा करने का तरीका, बेहतरीन आपको, बेहतर से बेहतर तरीका आपको मैं दूंगा, जिससे कम टाइम आपका लगे। बेला ने $1450 मूल्य की एक पेंटिंग 10% लाभ पर टेडी को बेची। टेडी ने 10% नुकसान पर उसे बेनी को बेच दिया। अगर बेनी उसी मूल्य पर वह पेंटिंग बेला से खरीदता है जिस मूल्य पर उसने वह टेडी से खरीदी है, तो बेला का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सुनिएगा, एक ही वस्तु है, बार बार इधर उधर हो रहा है, तो हमारे पास एक बेहतरीन फार्मूला है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अब बटे में 100, और ये रहा आपका परसेंट। ये मैं क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत हमसे पूछा है। अगर प्रतिशत हमसे पूछ रहा है ना, तो समझ लीजिए कि हमको कंप्लीट ये नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझ रहे ना? अगर पूछता कि कितना रुपया, रुपया में पूछता, परसेंटेज में नहीं पूछता, तब हम ये फार्मूला यूज नहीं कर पाते, या यूज भी करते तो आपका निकालना पड़ता, समझ रहे हैं? तो आइएगा, 10 और फिर कितना है 10, नुकसान में 10% नुकसान, नुकसान होगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहां एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, और 10 × 10 अब बटे में कितना 100, तो ये जय हिंद से जय भारत होगा, ये से ये कटेगा, माइनस में एक आपके पास यहां से बचेगा, और परसेंट, तो ये ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए कौन सा होगा, 1% की हानि होगी। माइनस क्या शो करता है? हानि को शो करता है, तो 1% की हानि ऑप्शन नंबर डी में है। बात समझ में आई है? आसान सवाल था, समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट पे चलते हैं, केवल हम लोग सवाल पे बात करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं किया जाएगा। आइएगा नेक्स्ट, देखिएगा क्या कह रहा है। टीना ने ₹30,000 मूल्य का एक मोबाइल फोन खरीदा। अगर वह 20% नुकसान पर उसे तानिया को बेच देती है, तो तानिया के लिए लागत मूल्य, अच्छा 20% नुकसान सह के, यानी आपका 20% नुकसान सहा है, यानी 30,000 का 80% पर तब बेचा है, तो 8 और 3 दिखा ना, तो मुझे 24 दिख रहा है। 24 कहीं है क्या ऑप्शन में? अच्छा, इसमें ऑप्शन में 24 नहीं है, ऑप्शन कट गया है, तो ये आपका आंसर जो है ₹24,000 होगा। आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हैं क्यों ऑप्शन कटा हुआ है, कारण है उसका, क्योंकि पेज यहीं पे समाप्त हो गया होगा, फोटो लेके हम लोग किए हैं, तो इसका आंसर जो है ₹24,000 होगा। आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपके पास जरूर होगा, बुक है तो। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट, एक टी शर्ट ₹750 में बेचकर राठी नाम है 25% का नुकसान नहीं मुनाफा कमाता है, 25% का इसमें मुनाफा भी है। अगर बिक्री मूल्य पर 4% से कम हो जाता, बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता, तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आती, मतलब रेट वही है, दाम वही है, समझ रहे हैं ना? तो सुनिएगा, थोड़ा देखिएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अब बटे में 100, एक ही पैसा की बात कर रहा है और आंसर भी हमको परसेंटेज में पूछ रहा है, तो कितना है 25 अब माइनस 4 अब माइनस 25 × 4 अब बटे में 100, 25 चौके 100, 4 4 कट जाएगा ऐसे,
तो ये 21 होगा, 21 में से एक चला जाएगा तो कितना होगा 20%। अब वो भी 20% आंसर क्या दिया है, कितने परसेंट की कमी होगी। अच्छा यहां तो लाभ दिखा रहा है, क्या चीज पूछा, अच्छा मुनाफे में पूछ रहा है, मुनाफे में कितने प्रतिशत का की कमी आएगी मुनाफे में। तो आइएगा देखते हैं, ये मुनाफे की बात कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मुनाफे की बात कर रहा है ना। तो यहां से देखिएगा 125% की वैल्यू होगी, कुछ गड़बड़ हो रहा है लग रहा है कि, क्योंकि मुनाफे में कमी, ऐसे आंसर तो है इसमें लेकिन यहां माइनस आना चाहिए था, कोई बात नहीं है। 125% की वैल्यू तो यहां से आप काटोगे तो कितना होगा, कटेगा 25 5 125 और 25 से काटे है ना, तो 25 किया 75 और ये 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 6 बार में कटेगा तो 6 हो जाएगा। तो 100% की वैल्यू यानी सीपी हमारा कितना आएगा, सीपी हमारा 600 आएगा, ठीक है। और कह रहा है कि अगर बिक्री मूल्य में 4% की कमी, तो बिक्री मूल्य था कितना 750 रुपये, ये एसपी है, और इसी में कमी हो गई कितने का 4% की यानी 96%, 4% की कमी हो गई मतलब 96%। अब इसको आप काट दीजिए, देखिए ये 0 से 0 कटेगा, 5 दूना और 5 15 हम, और इसको काटेंगे तो कितना होता है 48 दूनी 96 48, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा 15 15 18 20 से हंसी में लगेगा 12 और 15 4 60 और ये आपका कितना हो जाएगा 720। तो पहले लाभ कितना था, लाभ मुनाफे में कह रहा है, तो यहां से लाभ देख लीजिए, लाभ लाभ जो है यहां से आप देखेंगे तो कितने का लाभ है 150 का लाभ है, और यहां कितने का लाभ है, लाभ दोबारा देखिएगा क्योंकि 4% कम करने के बाद कह रहा है, तो यहां पर लाभ 120 का है। तो पूछा क्या है, कह रहा है कि तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आ गई, तो पहले लाभ, ये पहले लाभ लिख देता हूं एकदम, देखिएगा यहां से ये सवाल इस तरीके से आप नहीं करेंगे, ये गलती हो जाएगा। मुनाफे में पूछा है तो देखिए दोनों लाभ ही है, तो कितने की कमी आई है 30 की कमी आई है, लेकिन किस पर कमी आई है 150 पर, ये दिख रहा है कि नहीं, नीचे दिख रहा होगा कितने की कमी आई है 150 पर कमी आई है, अगुड़े में 100, ये भी कट करेंगे, इसको भी कट करेंगे ना, तो आपका 30 कहिए 30 30 5, ये भी आपका 20% ही आएगा, लेकिन अब ये इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है ये वाला। यहां पर अगर ऐसे आप करते हैं तो भले ही 20 दिख रहा है, 20 पर हम लोग टिक लगा सकते हैं, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये आपका सॉल्यूशन ये नहीं है, सॉल्यूशन रियल में आपका ये है क्योंकि मुनाफे में कह रहा है कितने परसेंट का, तो आप कर लेंगे क्योंकि जब आ रहा है ना तो कैसे भी आप कर लेंगे, मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चढ़ते हैं, ये 48 था, 48 के बाद देखिएगा 49 नंबर पे, कह रहा है 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 1 रुपए में 30 चॉकलेट खरीदी गई, 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी, आसान सवाल है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। देखिए 1 रुपया रख दीजिए ऊपर, 1 रुपया में कितने चॉकलेट सामान रख दीजिए नीचे, अब 20 इसी को, ये सीपी है, ये सीपी है, ऐसे खरीद के ला रहा है, इसी को 20% लाभ, 20% लाभ मतलब 120 बटे में ये, तो ये काटेंगे तो 6, ये काटेंगे तो 5 और ये 6 है, इसको काटेंगे कितनी बार में, तो 5 बार में, तो इधर देखिए 1 रुपया को वैसे ही छोड़ दीजिए, अब हो कितना गया 5 5 25, यानी 1 रुपया में कितना, 1 रुपया में 25 बेचेगा, 1 रुपया में 25, अब 25 है कहा, ऐसे सवाल हम लोग कर चुके हैं, समझ रहे ना, तो आपका 25 आंसर होगा, इसमें कोई दम नहीं था, इसको डायरेक्ट 6/5 लिख सकते थे, आपका जो भी सेकंड टाइम बचता बचता, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट पे, देखिए ये भी फोटो जो है आपका कट गया होगा, तो ऐसे देखिए टाइप करके लिखा गया है, एक सामग्री को 600 रुपए में खरीदी गई, ठीक है 600 में खरीदी गई, अगर सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर बेचा जाता है और शेष को 20% के नुकसान पर बेचा जाता है, 20% के नुकसान पर, समग्र नुकसान पर समग्र लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आइएगा समझिएगा, ऐसे जो है
ये बढ़िया बढ़िया सवाल है, इसमें ये एकदम समझ लीजिएगा। और आपको इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, बेसिक तरीका से यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। कारण है कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम लोग कहाँ पे बैठे हैं, एग्जाम में बैठे हैं। तो आइएगा, टोटल है कितना? टोटल जब भी आपका फ्रैक्शन में दे रखा है तो नीचे वाले हर वाले को टोटल मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि टोटल सामान कितना है, चार सामान है, मान लीजिए ऐसा, कितना है चार। तो चार का तीन बटा चार, तो चार का तीन बटा चार करेंगे ना तो तीन होगा। तो तीन को चार में से तीन वाले को 10% के लाभ पर बेच दिया, 10% के लाभ पर। तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 30% हो जाएगा। अब कह रहा है कि बेच दिया और शेष को, तो चार में से तीन का तो काम हो गया, तो शेष होगा कितना, एक एक को जो शेष है उसको 20% के लाभ पर बेच देता है। तो ये रहा 20% के लाभ पर बेचा, नुकसान पर बेचा। तो यहां नुकसान है तो माइनस लगाइए, नुकसान नुकसान पर बेचा तो ये माइनस लगा दिया। तो कितना हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा भाई, 20% हो जाएगा। समझ रहे हैं, माइनस में 20%। और टोटल है कितना, टोटल तीन एक चार समान है, चार समान है। और इसको पता नहीं कितने पर कह रहा है कि समग्र पर पता नहीं कितने की हानि हो रही है, लेकिन इधर अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 में से 10, 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 10 होगा कि नहीं, वो भी प्लस में 10। तो आप अपने मन से यहाँ पर मेरे भाई क्या रखोगे, यहाँ पर क्या रखोगे कि इसका इसके साथ गुणा होगा तो 10 आ जाए। तो अब ये क्या करिए, आप ऑप्शन से अब देखिए, सुनिएगा ऑप्शन से। तो ये देखिएगा ऑप्शन से, अढ़ाई अढ़ाई चौका कितना होगा, देखिए 2.5, अगर 5% रखूंगा ना तो 4 × 8 और 5 × 20 तो 2 हो जाएगा, तो 10 हो गया ना। तो देखिए यही 10 है, बेहतरीन कंसेप्ट है, एक्स वाई जेड मान के आप कर लीजिएगा, आपका टाइम नुकसान होगा। समझ रहे हैं, और यहाँ हम किस लिए ये संस्था, ये कोचिंग या जो भी मैंने ये आपका बनाया हुआ है चैनल, इसलिए कि आपका सहयोग कर सके, कम समय में बेहतरीन बेहतरीन सवाल कर सके। समझ रहे हैं, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, यही इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। और ये इसका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 2.5%, और ऑप्शन में दे भी रखा है। समझ रहे हैं, बढ़िया लग रहा है तो आपका काम जानते ही है, थोड़ा लाइक वगैरह कर दीजिए और कमेंट करिए कि कैसा लग रहा है, कमेंट आप जरूर करें। समझ रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं काम कर ही रहे हैं, मैं भी उसी में काम कर रहा हूँ, कमेंट वगैरह आप करते रहे कि कैसा लग रहा है। समझ रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कोई बात नहीं है। आइएगा, एक अगर एक वस्तु की लागत मूल्य 20%, लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो, 100 का है वस्तु और 20 का क्या हो गया, लाभ हो गया है ना, 120 में तो बेचा गया, तो बिक्री मूल्य इसकी बिक्री मूल्य पर लाभ बताइए। अच्छा, विक्रय मूल्य पर लाभ, ये सीपी है, 100 का सामान 120 में बेचा तभी तो 20% का लाभ हुआ। अब कह रहा है कि जो लाभ हुआ है ना, लाभ कितने का हुआ है, 20 का। तो ये जो लाभ हुआ है ना, इसका तुलना कह रहा है कि आप एसपी पे करके दिखाओ, विक्रय मूल्य पर करके दिखाओ, गुणे 100। ये आप फ्रैक्शन वैल्यू पर भी कर सकते हैं, 5 और 6 मानकर। तो ये से ये काटोगे तो 1/6, और 1/6 को कितना बोलते हैं, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 जहां पे है टिक लगा के आगे बढ़ जाओ, 16 सही 2/3, 16 सही, देखिए इसी को ना सुनिएगा, इसी को 16.67% बोलते हैं, इसी को 16 सही 2/3 को। तो ऑप्शन नंबर सी, 16 देख के आप काम चला सकते हैं। समझ रहे हैं, तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विनोद, विनोद जी है, विनोद, विनोद एक वस्तु 45% के लाभ पर आकाश को बेच देता है, एक वस्तु है 45% के लाभ पर, और फिर आकाश उसे 10% के घाटे पर संजय को बेच देता, परिणामी लाभ हान बताइए। कुछ नहीं भाई, x + y + xy/100, और यही है आपका परसेंट। समझ रहे हैं, और देखिए परसेंटेज पूछ रहा है, इसी कितना का होगा, सब परसेंटेज में दे रखा है, इसीलिए ये हम लोग यूज कर रहे हैं। तो सुनिएगा, ये ओरली आप कर सकते हैं, 45 ये घाटे हो रहा है तो 35 होगा, इन दोनों को आप करेंगे तो 35 होगा, और यहाँ पे माइनस होगा कितना, 45 और गुणे में 10 और बटे में 100। तो ये जय हिंद से जय भारत, तो ये आ गया 35, इसको कट कर दीजिए, 35 और माइनस में ये 4.5 होगा, क्योंकि 10 है तो एक अंक पे 0.5 लगेगा, तो डायरेक्ट इसमें से 5 घटा दो, 35 में से 5 घटाएंगे तो 30, 30.5,
देखिए तो आंसर में 30.5 दे रखा है क्या, आंसर में 30.5 दे रखा है, आंसर में 30.5 देखिए ऑप्शन नंबर बी लाभ भी होगा, देखिए क्योंकि आंसर आपका प्लस में आया है, तो बात समझ रहे हैं, बहुत बेहतरीन ये आपका फॉर्मूला है जो आप याद रखेंगे तो आपको देखिए कैसे बेनिफिट्स मिल रहा है। इधर उधर करेंगे, देखिए आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा। नेक्स्ट, एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा जा सकता, यानी 100 लाया होगा तो 10 खराब, यानी 90 सही है, अब बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि खराब सामान के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति, ऐसे सवाल आप कर चुके होंगे। सुनिएगा, 100 का सामान है और 90 अब हो गया क्योंकि 10 नुकसान हो गया, तो कितना बढ़ाए रेट, तो रेट बढ़ाए 10, लेकिन किस पर, 90 पर, और गुणे 100, 1/9 को ना 11 सही 1/9% बोलते हैं, 11 सही 1/9% कहाँ है, तो 11 सही 1/9% को 11.11% भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आसान सवाल था, देखिए यही आसान सवाल आ गया, भले लंबी चौड़ी बात बोली है लेकिन ये अब आसान हो गया, कोई कोई कठिन भी है तो आप समझ सकते हैं अगर तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो, और नहीं समझ रहे हैं तो फिर तो जानते ही हैं, जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक टीवी जो है 20,000 रुपए में खरीदी जाती है और 18,000 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत, कुछ नहीं करना है भाई, 2000 का हानि हुआ जी, 20,000 का खरीदा 18,000 में बेच दिया, तो किस पर हानि लाभ की गणना, सीपी पर, और गुणे में 100, मुझे तो ये देख के 10% लग रहा है क्योंकि ये और ये 10 बार में कटेगा, 1/10 का मतलब 10% होता है। बोलिए कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कहाँ है, नेक्स्ट कर दिया क्या, ऑप्शन आपका कहाँ है, देखिए 10% आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ये आसान सवाल था। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, समझ रहे हैं। देखिए वीडियो अगर आपको जैसा लग रहा होगा आप जरूर कमेंट करिएगा, खराब बढ़िया जैसा भी लग रहा होगा, हो सकता है कुछ सुधार की, अभी मेरे को भी बहुत जरूरत है, सबको सुधार की जरूरत है, और मैं बताया ही हूँ कि मैं टीचर नहीं हूँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी होने के नाते आपको सपोर्ट करना है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है और वह खिलौना ए को 20% और खिलौने बी को 50% लाभ पर बेच देता है, ठीक है, तो दोनों खिलौनों का बिक्री मूल्य बराबर होता है, अच्छा दोनों का बराबर होता है, कह रहा है कि लेकिन अगर वह खिलौने ए को 50% और खिलौने बी को 20% लाभ पर बेचता तो बी का बिक्री मूल्य बताइए, समझ रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहा है सवाल में ये कह रहा है ना कि ए को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है, 20% के लाभ पर बेचता है, दोनों का क्या है विक्रय मूल्य समान है, तो ये 20% के लाभ पर बेचा तभी भी जो विक्रय मूल्य बनेगा वो बी का भी 50% के लाभ पर बेचता है, तो वही दोनों का क्या है विक्रय मूल्य, दोनों का विक्रय मूल्य इतना बेच रहा है तभी भी सेम ही है। तो अब आप देखिएगा यहां से हमको रेशियो मिल जाएगा, ये जीरो और परसेंटेज कट जाएगा, ए अपान बी आपको मिल जाएगा, जानते हैं कितना, 5 और बटे में कितना, 2, 5/2 गलती हो रहा है क्या, कटना चाहिए उसको, 3600 को खिलौना ए बी को खरीदता है, 3600 में खरीद कर लाता है ना, आइएगा ऐसे देखिए तो ठीक है, कह रहा है कि ए को जो है, ए है इसका क्या कर देता है, यहां पर मैं सीपी लिख देता हूं और यहां पर मैं क्या लिख देता हूं, सीपी ही रहने देता हूं ए का, तो क्या है 20% लाभ पर ना, तो 20% लाभ यानी 20% की वैल्यू 1/5, तो 5 से कितना हो गया, 6 हो गया होगा, अब सीपी एसपी को ना ऐसे बदल देता हूं, आइए ये आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये सीपी लिख देता हूं, ये एसपी लिख देता हूं और यहां पर ए लिख देता हूं, अब समझ में आ जाएगा, अब ठीक है। अब कह रहा है कि बी को 50% लाभ पर, तो बी पर 50% लाभ, 50% की वैल्यू कितनी होगी भाई,
एक बटे में दो, तो दो का सामान कितने में बेच रहा होगा, तीन में बेच रहा होगा, यही ना। और कह रहा है कि दोनों का एसपी समान है, तो एसपी समान नहीं आया है, समान हम करेंगे, इसमें दो से गुणा कर दूंगा तो एसपी देखिए समान हो जाएगा। तो ये सीपी यहां से कितना हो गया, चार, दो दुनी के चार, दो दुनी के कितना हो जाएगा, चार, देखिए दो दुनी के चार, और ये कितना हो गया, छह। अब देखिए दोनों का एसपी क्या है, समान है। और यहां पे सीपी देखिए तो कितना है, तो ये पांच और चार नौ, और नौ की वैल्यू दे रखी है छत्तीस, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू कितना होगा, 400, एक यूनिट की वैल्यू 400, एक यूनिट की वैल्यू 400, तो हमें निकालना क्या है, 20% बी को, तो बी का ये है ना, तो सीपी यहां से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, कह रहा है कि तो दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो बराबर कर दिया, सीपी निकाल दिया, तो ये आपका कितना होगा, 2000 में होगा, ये वाला 2000 होगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, चार है ना, तो 1600 हो जाएगा। तो बी का सीपी कितना हो जाएगा भाई, चार यूनिट है तो चार अगुणे चार बराबर में कितना, 1600 सीपी हो जाएगा। और बी को ही कह रहा है कि 20% लाभ पर बेच रहा है, तब इसका बिक्री मूल्य बताइए, तो 20% मतलब कितना, 6/5 लिखो या 120/2 में, ये तो दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 1200 होगा और ये जीरो होगा, समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा 1920 आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, समझ रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं था, थोड़ा सा शुरू में इधर उधर हुआ, लेकिन जानते ही हैं, ये आपके सामने ही मैं कर रहा हूं, जैसे बड़ा या छोटा सवाल हो रहा है। तो देखिएगा ये कह रहा है कि 20% का लाभ 5 से 6, और इसमें 50% का लाभ 2 से 3, और दोनों का ये वाला और ये वाला दोनों का बराबर है, तो बराबर किया मैं अपने मन से 2 से गुणा करके, तो 2 से गुणा किया तो 6 हुआ, और इसमें भी 2 से गुणा करेंगे तो 4, क्योंकि ये एक ही है, तो इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो आपका एसपी दोनों का एसपी है कितना, 9, और दोनों का, सॉरी एसपी में बोल रहा हूं, दोनों का सीपी है कितना, 9, और दोनों का सीपी कितना दे रखा है, 3600 रुपए। तो 3600, एक यूनिट की वैल्यू 400, तो बी के बारे में बात कर रहा है, तो बी चार यूनिट है तो 400, 1600, और 1600 का 20% निकाले तो कितना, 1920, समझ में आया है। आइएगा अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है देखिएगा, आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने, आसिफ एक फुटकर विक्रेता ने दो मोबाइल फोन को 6000 रुपए प्रत्येक की दर से बेच देता है, दो मोबाइल फोन है 6000 में दोनों को बेच दिया, और एक 20% के लाभ पर और दूसरा हानि पर एक लाभ पर बेचता है और दूसरा हानि पर बेचता है, पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई, तो जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया था उसका हानि प्रतिशत बताना है। भाई सुनिएगा, इसमें ना एसपी आपका दोनों का क्या है, एसपी दोनों का क्या है भाई, समान है, एसपी दोनों का क्या है, समान। जब दोनों का एसपी समान रहे ना, तो एक आपको फॉर्मूला लिखवाया गया होगा x²/100, और ऐसे स्थिति में सदैव क्या लिखवाया गया होगा, सदैव क्या होगी, हानि होगी, सदैव हानि होगी। तो आप देखिएगा कि 4% की हानि, तो 4% की हानि ना, तो पक्का दोनों स्थितियों में 20% की हानि होगी, 20% की हानि पर देख लीजिए आप, इसी में फार्मूला रख के, ये अपने मन से, ये सवाल करने पर आपको समझ में आएगा कि आपका इसका आंसर ना 20% होगा, 20% होगा। कैसे, तो देखिएगा, एक वस्तु पर 20% का लाभ और एक वस्तु पर 20% का हानि, तो 20 का स्क्वायर किसका, 20 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 400 होगा, कहां गए जी, कोई बात नहीं, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 होगा। तो 20 का आप स्क्वायर करेंगे ऐसे, कैसे हो जा रहा है जी, हाँ आ गया, देखिए 20 का स्क्वायर क्या चीज का, 20 का आप स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर अब बटे में कितना है 100, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और ये आपका 100, तो जीरो से जीरो कट जाएगा, और सदैव इसमें हानि होती है 4%। तो दोनों पर कितने का, 4% का देख रही है, 4% देख के मैं तुरंत समझ गया कि आंसर हमारा कितना होगा, 20% होगा। ये आपको फार्मूला लिखवाया गया होगा, और फार्मूला है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा
तो जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा तो दोनों एक को हानि पर और एक को लाभ पर बेचेगा, तो ऐसी स्थिति में सदैव आपको नुकसान होता है, सदैव और नुकसान होता है। और फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 100, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर 20 रखूंगा ना तो 400 होगा, और 4 से 100 जीरो से जीरो कट जाएगा, 4 बचेगा, और यही दोनों वस्तुओं पर देखिएगा 4% का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये आप देखते ही, जो लोग कर रहे होंगे देखते ही समझ में आ गया होगा कि इसमें 20% पे टिक लगाना है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चाहेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से हल कर लीजिएगा, लेकिन एग्जाम में मत करिएगा ऐसे, एग्जाम में बस जल्दी जल्दी हमको टिक लगाना है, आगे बढ़ना है। दो कंप्यूटर कंपनियां ए और बी, प्रति कंप्यूटर 36 प्रति कंप्यूटर 36,000 रुपए पर बेचती है। अगर कंपनी ए अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर करती है, कंपनी ए जो है अपनी लाभ की गणना सीपी पर करती है, लागत मूल्य पर, और कंपनी बी अपने लाभ की गणना एसपी पर करती है, तो प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है। तो कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितने प्रतिशत अधिक है, आइएगा देखेंगे, करेंगे हम लोग। देखिएगा, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है, तो कंपनी ए जो है ना अपने लाभ की गणना सीपी पर कर रही है। अब 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% मतलब 1/5, तो अगर ये इसका सीपी होगा तो ये एसपी लिख देता हूं, तो 5 से कितना हो गया होगा, 6, 5 से 6 हो गया होगा। और कंपनी बी को भी लाभ हो रहा है कितने का, 20% का ही, तो 20% मतलब 1/5, तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है, लेकिन ये अपनी लाभ की गणना किस पर कर रहा है, एसपी पर, तो ये जो 5 है ना ये एसपी होगा, तो ये 5 है और लाभ ये पी है, तो सीपी आपका सुनिएगा एसपी माइनस सीपी बराबर में प्रॉफिट। तो सीपी हमको निकालना है तो सीपी को उधर भेजेंगे, तो एसपी माइनस पी बराबर में सीपी, तो एसपी हमारा कितना है, क्योंकि लाभ की गणना वो विक्रय मूल्य पर कर रहा है, तो ये विक्रय मूल्य है, तो 5 और माइनस 1 तो यानी विक्रय मूल्य कितना होगा, 4, यही ना, ठीक है। अब कह रहा है कि और ए और बी प्रत्येक जो है क्या प्रॉफिट पूछा है, तो यहां से निकल जाएगा क्या, यहीं से प्रत्येक बेचती है 3600 में, तो 3600 में दोनों बेचती है। अच्छा सुनिएगा, इसका भी एसपी क्या है, समान है, तो एसपी समान है ना, तो ये एसपी यहां पे देखिए, यहां पर एसपी 5 है, यहां पर एसपी 6 है, तो मैं क्या करता हूं, इसमें अपने मन से 6 से गुणा करता हूं और इसमें अपने मन से 5 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 25, और ये आपका कितना हो जाएगा, 30, ये आपका कितना हो जाएगा, 24, और ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30। तो अब देखिए दोनों का एसपी समान हो गया कि नहीं, दोनों का एसपी कह रहा है 3600 है, यानी समान है, तो समान हो गया। तो अब कह रहा है कि कंपनी बी द्वारा बनाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा बनाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहां से ये देखो कितना अधिक है, तो ये 5 अधिक है, ये कितना अधिक है, तो ये 6 अधिक है, तो इससे तुलना करना है, कितना अधिक है, ये 1 अधिक है, लेकिन किससे, कंपनी ए द्वारा अगूढ़े में कितना, 100, तो ये कितना होगा, 20% जहां दिख रहा है टिक लगाओ, आगे बढ़ो, सवाल एकदम बेहतरीन है एकदम। तो आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ये आपका 58 नंबर था, उसके बाद से 59 नंबर पे आइएगा। देखिए 59 नंबर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 2000 रुपए में दो शर्ट 2000 रुपए में खरीदा है, और यदि वह एक शर्ट को 20% के लाभ पर, यानी एक जो पहला शर्ट है, मान लीजिए पहला शर्ट ए है, और इसको कितने पर, 20% के लाभ पर, ठीक है, और दूसरी शर्ट को 80% के लाभ पर बेचता है, दोनों शर्ट का बिक्री मूल्य बराबर है। सुनिएगा, जो बी वाला शर्ट है ना उसको 80% लाभ पर बेचता है, तो ये एसपी हो गया, दोनों का एसपी क्या है, बराबर है। तो ये देखिएगा, इसको आप कट कर दीजिए, ये से ये कटेगा, ये से ये कटेगा, और 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, तो ए अपान बी आपका कितना जाएगा, 3/2, और 3/2 का मतलब कितना, 5, दोनों को जोड़ेंगे तो, और दोनों का कितना है, दोनों का एसपी है, सीपी है कितना, 2000, एक यूनिट की वैल्यू कितना, 400। तो आप मुझे बताओ कि ए का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ए का कितना हो जाएगा, तो ए का 3
और गुड़े में कितना 400 बराबर ए का सीपी निकल गया 1200 और एसपी मतलब बी का सीपी निकाल लेते हैं यहीं से। जब तक सीपी नहीं रहेगा आप कुछ नहीं करिएगा, जानते हैं ना। तो यहां से आप निकाल लीजिएगा 400, तो इनका सीपी निकल गया। अब आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है सवाल में, यहां तक सवाल आपका कंप्लीट, सीपी निकल गया। लेकिन अगर वह पहली शॉर्ट को 30%, यानी पहले वाले इस वाले शॉर्ट को 30%, पहले वाले शॉर्ट को 30% लाभ कह रहा है, 30% लाभ पर, तो 30% लाभ यही होगा 12, 13, 156, ये 1560 रुपया हो जाएगा लाभ पर। और दूसरी शर्त को 25% लाभ पर, और बी को ना, बी का सीपी कितना है 800, इसको बेच रहा है कितने पर, 25% के लाभ पर। तो जय हिंद से जय भारत। अब 125, 125, 8, 1000 होता है, 1000 पूछा क्या है। तो दोनों शर्त के बिक्री मूल्यों का योग बताइए, दोनों का योग बताओ। तो 1500 और ये 1000, 2560 आपको कहीं देखिए तो दिया है क्या, 2560 जहां पे होगा ऑप्शन नंबर बी देखिए, 2560 आपका आंसर है। समझ रहे हैं, कुछ नहीं था, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे मैं किया, समझ रहे हैं। तो आइएगा, किसी किसी सवाल में आपका ज्यादा टाइम लग जा रहा होगा, तो आप जो है देख ही रहे हैं कि कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट नहीं होगा कोई बात नहीं, हम ऐसे कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि 30 खिलौनों का सीपी 40 खिलौनों के एसपी के बराबर है, ये से ये कटेगा, सीपी अपान एसपी 4/3, नुकसान हुआ कितने का, 1 का, लेकिन किस पर, 1 का नुकसान हुआ 4 पर, और 1/4 को क्या बोलते हैं मेरे भाई, 25%। अब 25% का मतलब हानि हुआ ऑप्शन नंबर डी, बात समझ रहे हैं, ऐसा सवाल हुआ है इसलिए हम लोग आगे चलेंगे। नेक्स्ट आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है एक केक का 3/5 हिस्सा 45% के लाभ पर बेचा जाता है, 3/5, और केक का 1/3 हिस्सा 18% के लाभ पर, क्या कहते हैं, 18% के लाभ पर बेचा जाता है ना, इसका शेष, तो पहले तो शेष वाला निकाल लीजिए, 3/5 हिस्से को 45% के लाभ पर, और दिया कुछ है, हाँ सुनिएगा, 45% के लाभ पर, 45% के लाभ पर, ठीक है, अच्छा। अब प्लस 1/3 हिस्सा को 18% के लाभ पर, शेष कितना होगा, तो सुनिएगा, 3/5 और प्लस 1/3 जोड़िए तो कितना होगा, 15, तो कितना हो जाएगा, 3, 3, 3 तिली का 9 प्लस 5, तो ये कितना होगा, 14/15, तो शेष कितना होगा, शेष भाग 1/15 होगा। तो 1/15 को क्या बोल रहा है, 1/15 भाग को 15% लाभ पर, तो ये रहा आपका 15% लाभ। आ कह रहा है ना कि लाभ हो रहा है, जानते हैं कितने का, 272 रुपए का, 272 कुल मिलाकर 272 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो केक का लागत मूल्य बताइए, तो केक का लागत मूल्य ना आप एक काम करिए, निकल जाएगा इसी में, एक्स एक्स सब में मान लीजिए, अब एक्स नहीं लिखा हो तो नहीं लिखूंगा मैं, आइए इसी को पहले हल करिए। तो ये और ये कटेगा कितनी बार में, 9, तो 9 × 3 = 27 प्लस ये कटेगा 6 बार में, तो 6% प्लस ये कट जाएगा तो 1%, और ये बराबर किसके है, 272 के, तो ये 28 × 6 कितना होगा, 34% ठीक है, और 34% एक्स का लिख देता हूं, मान लीजिए कि यही सीपी है, ये आंसर क्या चीज में दिया है, एक्स अगूढ़े 34 अबटे में 100, मान लीजिए कि ये सीपी है, सब में एक्स एक्स है, अब नहीं लिखा हूं इसलिए नहीं लिख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे अगर शुरू से जुड़े होंगे तो। तो 34 के टेबल में आता है 9 × 8 = 32, 8 × 32 = 3, 24, हाँ देखिए 8 बार में कट जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 800, और यही मुझे निकालना था, 800 देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है,
ये 8 बार में कट जाएगा, 8 चौक 32, 4 देख के और 8 देख के मैं समझ गया कि 8 बार में ही जाएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 32 कहां पे आएगा, मतलब 2 कहां पे आएगा, 8 पे आएगा। तो ये आपका 800 क्या है आंसर इसका। ये भी आसान सवाल था, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कैसे होगा जी, नेक्स्ट ऐसे होगा, आइए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक टीवी सेट बेचा, 12% के लाभ पर, ठीक है। अगर उसने इसे 1200 रुपए अधिक में बेचा होता और 1200 रुपए अधिक में बेचा होता और 18% का लाभ होता, अधिक में बेचा 18% का लाभ होता, यानी सुनिएगा तो क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य लागत मूल्य, सुनिएगा, कोई 100 रुपए की वस्तु है और उसको 112 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया, लाभ पर बेचा। अब कह रहा है अब फिर ना 18% का क्या चीज पर बेच रहा है, लाभ पर, और कह रहा है कि 1200 रुपये अधिक में बेचा होता, इससे कितने अधिक में बेचा है, तो 6 अधिक में बेचा है, लेकिन वो 6 नहीं है, वो कह रहा है कि 1200 अधिक में बेचा है। एक यूनिट की वैल्यू 200, तो मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू 20,000, 20,000 इसमें गुणा हो जाएगा 200 से, तो 20,000 दे रखा है क्या, 20,000, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 20,000 दे, ऐसे कंसेप्ट आपको जरूर बताए गए होंगे, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट 63 नंबर पे देखिएगा, 2400 रुपए में पावर बैंक बेचकर एक आदमी 20% का मुनाफा उठाता है, नुकसान उठाता है, तो 10% के लाभ कमाने के लिए, 10% के लाभ, और 10% मतलब कितना, 10% मतलब लाभ मतलब 110 ना होगा, 110% की वैल्यू बताना है, 110 का मतलब 11, 11 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर होगा, और 11 का मल्टीपल मुझे केवल ऑप्शन नंबर एक में दिख रहा है, ये आपका 33 होगा। आइएगा मैं बता देता हूं कैसे होगा, सुनिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए कि होगा और बेचकर 20% का नुकसान, तो ये 80%, इसमें 80% और ये रहा आपका 2400 रुपए, तो सीपी यहां से कितना हो जाएगा, 2400 अगुणे 100 और बटे में कितना, 80। अब यही को कह रहा है कि कितने परसेंट लाभ पर, इसी को कह रहा है कि 10% लाभ पर, सीपी निकल गया तो डायरेक्ट गुणा होगा, 100 से 100 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, 8 तरीके 24, 300 और सीपी इसका कितना निकल गया, और यहाँ पे देखिए 11 तियां 33 और 00 तो 33, यही तो सीपी पूछ रहा था, तो 11 का मल्टीपल देख के ही मैं टिक लगा दिया था, बाकी आप देख लीजिए, दोनों तरीका आपको मैं बता दिया। तो एग्जाम में कभी कभी सवाल ऐसे भी हो जाते हैं जो चुटकी बजाएंगे और हल हो जाएंगे। आइएगा नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु पर 23%, किसी वस्तु पर 23% के लाभ पर और 9% के हानि पर, हानि के बीच का अंतर, तो पहले इन्हीं का अंतर देख लीजिए कितने का है, तो इनका अंतर कितने का दिख रहा है, 23 और 9 32 का दिख रहा है ना, तो 32% की वैल्यू 928 दे रखी है, तो कह रहा है कि विचाराधीन वस्तु का क्रम मूल्य, यानी क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी हमको 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 8 से 4 से कटेगा, 4 8 32, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूना 8, 28 से कट जाएगा, 8 करने कितना होगा, 8 दूनी 16 आ कितना बजा, हाँ कट जाएगा, सुनिएगा, 8 दूना 16, 8 नवा 72, तो 1% की वैल्यू 29, तो 100% की वैल्यू कितना, 2900, बात समझ में आ रहा है, 2900 जहां दिख रहा है वहां टिक लगा, ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसे सवाल पीछे भी हुए हैं, सुनिएगा, ऐसे ये होता है कि 100 की वस्तु है 23% लाभ मतलब 123 पर, और फिर 9% हानि मतलब 91 पर, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर 32 है, लेकिन वो कह रहा है कि 928, समझ रहे हैं, अभी पीछे ऐसा हुआ। ये आपका 64 नंबर सवाल है, 64 के बाद हम लोग चलेंगे 65 पर। 65 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि सुविका को 198 में एक वस्तु बेचने पर, 198 में कोई वस्तु क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी एसपी हमको दे रखा है कितना, 198 में बेचने पर 12% की हानि होती है, 98 में बेच रहा है तब, तो सुनिएगा, अगर मान लीजिए उस वस्तु का सीपी एक्स है,
ठीक है, तो 198 में बेचा तो 12% 12% हानि मतलब 88%, और ये 88% कह रहा है कितना है, ये भी एसपी हो गया, ये भी एसपी। तो यहां से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका कट पिट होगा, चलिए ऐसे निकाल देते हैं, ये अगुणे में 100 और बटे में कितना होगा 88, ये सीपी है। अब क्या कह रहा है कि 8% का लाभ कमाने के लिए, तो ये सीपी है तो डायरेक्ट इसी पर 8% का लाभ देख लेते हैं हम लोग। तो 8% का लाभ कमाएंगे तो 22 4 22 88 22 88, और ये 4 से कटाएंगे तो 27 बार में है ना, और इसको करेंगे तो ये कितनी बार में, 9 बार में। तो ये आपका होगा कितना देखिएगा, 27 नवा पता है नहीं पता है कोई बात नहीं, 963 के 3 हासिल लगेगा, 6 9 18 और 18 6 कितना होगा 24। तो सुनिएगा, अब जब उसको 8% लाभ पर बेचेगा तो एसपी ये पूछा क्या है, तो कह रहा है कि कीमत कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 198 से 143 हो गया, तो कितना बढ़ा, तो देख लीजिए 243 से 198 है, तो 13 में से 5 जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 5 होगा, ठीक है, और यहां पे कितना हो गया आपका 3, तो 13 में से 4, ये आपका 45 इधर कट होगा, यानी 45 आपको बढ़ाना पड़ेगा, विक्रय मूल्य कितना बढ़ाना पड़ेगा 45, और 45 के लिए देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, डी, समझ रहे, 45 आंसर है इसका। तो आसान सवाल था, इसमें कुछ नहीं था, देखिएगा ये अब हम लोग 65 तक ही रहने देते हैं, उसके बाद से एक और छोटा सा वीडियो बनेगा जिसमें 19-20 सवाल हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, टोटल 84 क्वेश्चंस हैं, तो 65 तक हुआ है, अब जो है आपका जो भी आपका 19 या 20 जो भी और प्रश्न रहेंगे उसको हम लोग एक वीडियो में शूट कर लेंगे। तो आज के लिए प्यारे दोस्तों इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में।